नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, अब हम हर केमिकल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसको रिमूव करने के लिए लाइम की ज़रूरत है या सोडा की। अगर हम गैसेस की बात करें लाइक CO2, H2S, तो हमें पता है कि इसके लिए हमें सिर्फ लाइम चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, किसी की भी हो टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस हमेशा रिमूव होती है किससे, लाइम से। नाउ रिएक्शन के बेसिस पे इसको चाहिए 1 मोल ऑफ लाइम, लेकिन इसको चाहिए 2 मोल्स ऑफ लाइम। अगेन दिस रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ लाइम एंड दिस ऑल्सो रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ लाइम। अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स को लाइम में ऐड करना पड़ता है और सोडा में सब्ट्रैक्ट। NaAlO2 सोडियम एलिमिनेट कोएगुलेंट है, अगेन अभी हमने देखा था रिएक्शन में, इसको हम लाइम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। एसिड्स हैं, अगर एसिड्स आपको दिए हुए हैं तो एसिड्स के लिए हमने भी देखा था क्या करना पड़ता है, प्लस लाइम एंड प्लस सोडा। देन परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम को छोड़ के मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और आयरन की जो परमानेंट हार्डनेस है इसको रिमूव करने के लिए हमें लाइम भी चाहिए होता है और इसको हमें सोडा भी चाहिए होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, इसके लिए हमें सिर्फ सोडा चाहिए होता है। नाउ ये जो अगर लिखा हुआ है कि आपके पास एक ट्रीटेड वाटर सैंपल आपको दे दिया है, ठीक है, यानी कि जो वाटर ट्रीट होके आया है जिसमें मतलब हार्डनेस रिमूव करी है यूजिंग लाइम सोडा मेथड, अगर उस ट्रीटेड वाटर में OH- और कार्बोनेट अगर दिए हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर ट्रीटेड वाटर में OH- दिया हुआ है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो लाइम बहुत एक्सेस में ऐड किया हुआ था ताकि उसका जो OH- है वो ट्रीटेड वाटर में भी आ गया। दूसरा, अगर सोडा एक्सेस में था, सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में तो ये क्या फॉर्म करता है, NaOH फॉर्म करता है, प्लस CO2 गैस है जो वेपरेट कर जाती है, ठीक है। तो ये जो NaOH बना ड्यू टू सोडा, तो ये जो OH है ये OH हो सकता है जो आपका ट्रीटेड वाटर में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रीटेड वाटर में OH- एक्सेस में है तो वो लाइम की वजह से भी हो सकता है और वो सोडा की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको OH- को क्या करना है, OH- को हमें लाइम में भी जोड़ना है और इसको हमें सोडा में भी जोड़ना है, ठीक है। अगर कार्बोनेट दिया है तो कार्बोनेट ऑब्वियसली इट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडा, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस सोडा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम हर केमिकल को किसको लाइम में ऐड करेंगे और किसको सोडा में। अब जब भी आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, लाइम सोडा का न्यूमेरिकल जब भी आएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले हर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि यही हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। सेकेंड, हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर केमिकल्स हैं सच एज NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, Al2O3, है ना, सिलिका, FeO या Fe2O3, अगर इस तरह के कोई भी केमिकल्स हैं तो ये सब केमिकल्स दे डू नॉट कॉज हार्डनेस, ठीक है। तो इन केमिकल से हार्डनेस नहीं होती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इन सब केमिकल्स को कैलकुलेशंस में इग्नोर करना है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ या सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ या सिर्फ एल्यूमिनियम 2+ ये लिखा है, अगर कोई एनायन साथ में नहीं दिया है, तो इन सबको आपको परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स में कंसिडर करना है। तो दे ऑल आर कंसिडर टू कॉज परमानेंट हार्डनेस। अब इसके बाद आएगा इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए हमें लाइम सोडा की कैलकुलेशंस करनी है। नाउ लाइम हमें जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, विच इज़ व्हाट, 74/100 इंटू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम आयन्स प्लस ट्वाइस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन प्लस CO2 प्लस H2S प्लस एसिड प्लस बाइकार्बोनेट माइनस AlO2। इन सब का क्या मतलब है कि ये जो भी इम्प्योरिटीज आपको पानी में दी हुई हैं वो सब, बट इन टर्म्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, यानी कि इन सब इम्प्योरिटीज़ को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जो इम्प्योरिटी दी हुई है उसको यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाल देंगे, जो नहीं दी हुई है उसकी जगह खाली छोड़ देंगे। 74 यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि 74 इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ लाइम। तो ये तो आ गया। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज प्योरिटी। सिर्फ वैल्यू डालनी है यहाँ पे। अब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है किसकी प्योरिटी है, लाइम की प्योरिटी, यानी कि जो आप लाइम यूज़ करने वाले हो कितना प्योर है। तो सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू डालनी है, क्योंकि जो परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 आता है वो यहाँ पे हमने पहले ही ले लिया है। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ टू बी इन लीटर्स। तो आपका यहाँ से जो भी आंसर आएगा इट विल कम इन mg's। ठीक है, इसी तरह से सोडा का भी फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू 106/100। नाउ 106 क्यों लिया है, क्योंकि मॉलिकुलर मास ऑफ सोडा इज 106। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, सबकी परमानेंट हार्डनेस ले लेंगे। इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कैल्शियम के अलावा बाकी सबकी परमानेंट हार्डनेस आती है, और यहाँ पे चारों की परमानेंट हार्डनेस आती है। ऐसा क्यों हुआ है ये अभी हमने रीज़न रिएक्शंस में भी एक्सप्लेन किया है। प्लस एसिड्स जो भी आपको दिए हैं, माइनस बाइकार्बोनेट। नाउ ऑल दीज हैव टू बी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। अभी प्योरिटी किसकी होगी, ये प्योरिटी यहां पे होगी सोडा की, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। कौन सा वॉल्यूम लेंगे वाटर का, जो वाटर हमने प्यूरिफिकेशन के लिए लिया है, जिस वाटर में हम ये इम्प्योरिटीज देख रहे हैं। नाउ दिस वॉल्यूम विल बी इन लीटर्स। तो यहां से अगेन आपका जो भी आंसर आएगा इट विल कम इन mg। अगर मैं इस आंसर को 10^6 से डिवाइड कर दूंगी तो यही आंसर मेरा किस में आ जाएगा, kg's में हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन में अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम स्टेप्स देखें, स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा, तो क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा आपको जितने भी केमिकल्स दिए हुए हैं आपको सबको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसके लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स किए थे, वहाँ भी हमने ये बताया था कि कैसे किसी भी केमिकल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, केमिकल्स लाइक NaCl, KCl, K2SO4, Al2O3, ठीक है, एंड देन SiO2, FeO, ये सब हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं तो इन सब को इग्नोर करना है। देन अगर आपको सिर्फ कैल्शियम 2+, सिर्फ मैग्नीशियम 2+, या सिर्फ आयरन 2+, या सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ अगर लिखा है, तो इन सब को आपको कंसिडर करना है किस में, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग आयंस में। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपको ये जो अमाउंट्स आएंगे ये अमाउंट्स इन फॉर्मूलाज में पुट करने हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम कैसे आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन जो भी मैंने टेबल बताई थी किसको लाइम में जोड़ना है किसको सोडा में, वो टेबल ज़रूर आप याद कर लें, तभी आप न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कर पाएंगे। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन लाइम सोडा प्रोसेस। ये एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक वाटर का सैंपल है और उसमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये सब इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं और इनके अमाउंट्स आपको दे दिए हैं। तो अगर नाउ इफ़ दिस हार्ड वाटर इज सॉफ्टन बाय लाइम सोडा प्रोसेस, कैलकुलेट द लाइम एंड सोडा नीडेड फॉर 20,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसमें आपको लाइम और सोडा निकालना है जिस पानी के लिए, वो है 20,000 लीटर्स। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्ट या आयन जो भी आपको दिया है, देन यू विल टेक द अमाउंट। अमाउंट की यूनिट आप ज़रूर चेक कर लें एक बारी कि जो अमाउंट की यूनिट है वो सब सॉल्ट्स के लिए सेम होनी चाहिए। उसके बाद
मोलर मास निकालेंगे, देन हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, देन जो भी अमाउंट आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, एंड देन वी विल सी कि हमें किसके लिए लाइम चाहिए और किसके लिए सोडा चाहिए. नाउ पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आपको कितना दिया है, 50 mg/L. ठीक है. अब मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, 100 डिवाइड बाय वैलेंसी. कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर इज 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसका, 50. सो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, गिवन अमाउंट जो कि कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हार्डनेस. सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हार्डनेस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 50. तो अगेन डिवाइड बाय 50, सो दिस विल कम आउट टू बी 50. अगला सॉल्ट देखते हैं हम. अगला सॉल्ट आपको क्या दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट. नाउ मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना दिया है आपको, 100 mg/L. नाउ उसका मॉलिकुलर मास आप देखोगे, इट विल कम आउट टू बी 84. इक्विवेलेंट मास 84/2 विच इज 42. तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ये कैसे करना है, गिवन अमाउंट जो कि कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास जो कि कितना है 42. सो दिस विल कम आउट टू बी 119. नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड. अब कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है, 111 mg/L. इसका मॉलिकुलर मास देखेंगे तो वो भी 111 ही होता है. नाउ 111 डिवाइड बाय 2 दिस विल बी 55.5. तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, गिवन मास, गिवन कितना है 111 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हार्डनेस. तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 100. नेक्स्ट सॉल्ट आपको क्या दिया है, MgCl2. नाउ MgCl2 का अमाउंट आपको कितना गिवन है, 47.6 mg/L. मॉलिकुलर मास आप इसका देखोगे तो इट विल बी 95 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल बी द इक्विवेलेंट मास 2, यानी कि कितना हो गया 47.5. तो इसका इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना हुआ, 47.6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 47.5. तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम देखें तो इट विल कम आउट टू बी 50. नाउ लास्ट सॉल्ट जो आपको दिया है वो क्या दिया है, NaCl. अब आपको पता है NaCl हार्डनेस नहीं करता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इग्नोर करना है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप देखोगे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, ये कहाँ जाएगी, लाइम में. मैग्नीशियम कार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, अगेन ये कहाँ जाएगी, लाइम में. कैल्शियम क्लोराइड, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, ये कहाँ जाएगी, सोडा में. MgCl2, परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, ये दोनों जगह जाएगी, प्लस लाइम प्लस सोडा, और ये हमें इग्नोर ही करना है. तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि हमें फॉर्मूला कैसे लगाना है. नाउ अगर हम अमाउंट ऑफ लाइम का फॉर्मूला देखें, दिस इज इक्वल्स टू 74/100 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस MgCl2. इन सबका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब हमें पता है कि ये आपको कितना दिया है, 74/100 इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना था, 119 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का 50 प्लस MgCl2 का 50. ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं आपको वो अमाउंट्स यहाँ नहीं रखने हैं,
आपको हर गिवन अमाउंट को एक स्टैंडर्ड पर ले जाना है, कॉमन स्टैंडर्ड पे, विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो हर अमाउंट को आप कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट और फिर ही आप उन अमाउंट्स को यहाँ पर डालोगे मल्टीप्लाइड बाय प्योरिटी। अब आपको दी नहीं हुई है, अब प्योरिटी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे। और वॉल्यूम आपको दी हुई है 20,000, सो मल्टीप्लाइड बाय 20,000, इसको आप सॉल्व करेंगे, द आंसर विल कम आउट टू बी 3241200 mg। तो आंसर जो भी आएगा वो आपका mg में आएगा, इसको हम 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू kgs, सो आंसर विल कम आउट टू बी 3.2412 kg। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडा। नाउ अमाउंट ऑफ सोडा इज इक्वल्स टू क्या है, 106/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं आएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा, क्या आएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस MgCl2 मल्टीप्लाइड बाय 100% प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। प्योरिटी नहीं दी हुई है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, 106/100 इंटू कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट कितना दिया है आपको 100 प्लस MgCl2 का कितना है 50, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 20,000, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल कम आउट टू बी 3180000 mg। अगेन आप इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3.18 kg। एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 75,000 liters ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, और एनालिटिकल डाटा क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम आयन इतना है, मैग्नीशियम आयन इतना है और बाइकार्बोनेट इतना है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्ट या आयन जो भी हमें दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है एंड देन बाइकार्बोनेट। नाउ राइट देयर अमाउंट्स, कैल्शियम का अमाउंट है 20 ppm, मैग्नीशियम इज 45 ppm एंड बाइकार्बोनेट इज 30 ppm, ठीक है। अब इसमें आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोलर मास, देन वी विल राइट इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी आर कैन बी चार्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। नाउ कैल्शियम 2+ का मोलर मास कितना होता है, 40, मोलर मास पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो मोलर मास क्या है, बेसिकली एटॉमिक मासेस का सम, तो उस पर चार्ज देखकर आप एटॉमिक मास में चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है, पता लगा कि यहाँ 2+ है तो आपने इसको 38 लिख दिया, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द मोलिकुलर मास, 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, मास नहीं। सिमिलरली Mg2+ है, इसका मॉलिक्यूलर मास विल बी 24, बाइकार्बोनेट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 61, इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, 40/2 विच इज इक्वल टू 20, ये क्या होगा 24/2 दिस विल बी इक्वल टू 12, इसको क्या करेंगे 61/1, 1 क्यों लिया है, यहाँ पे आप चार्ज देखो -1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड किया है, तो आप देखोगे बाइकार्बोनेट के केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आपका हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उसका अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट या आयन, तो ये 20 है, यहाँ पे अगेन 20 करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 50, यहाँ क्या करेंगे, गिवन अमाउंट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज 12, सो दिस विल कम आउट टू बी 187.5, ये क्या है 30 × 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 61, सो दिस विल कम आउट टू बी 24.59।
अब हमें क्या करना है, देखना है कि किसको लाइम में डालना है, किसको सोडा में। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेशंस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैल्शियम 2 प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस लिखा है, तो इन दोनों को हम किस में कंसिडर करेंगे, परमानेंट हार्डनेस में। अब आपको पता है कि कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है, सोडा। वेरियस मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें लाइम भी चाहिए और सोडा भी चाहिए। बाइकार्बोनेट लाइम में ऐड होता है और सोडा में सब्ट्रैक्ट। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ लाइम इक्वल्स टू 74/100 इनटू, अब आप देखो लाइम में क्या क्या जोड़ना है, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड बाइकार्बोनेट, तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, वो नहीं दी हुई तो इग्नोर करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, 74/100 इनटू मैग्नीशियम 2 प्लस का इक्विवेलेंट कितना है, 187.5, प्लस बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट अमाउंट कितना है, 24.59, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको, 75,000 लीटर्स। सो इसको आप सॉल्व करिए एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 1177,1004 mg। सो इसको 10 की पावर 6 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 11.77 kg। यानी कि इतना लाइम चाहिए टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम हार्ड वाटर, फ्रॉम टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम 75,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर। नाउ सी द अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड, दिस विल बी इक्वल्स टू 106/100 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीशियम आयन प्लस कैल्शियम आयन माइनस बाय कार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो दिस विल कम आउट टू बी 106/100 इनटू मैग्नीशियम का अमाउंट कितना निकाला था हमने, 187.5, प्लस कैल्शियम 2 प्लस का अमाउंट कितना निकाला था हमने, 50, माइनस 24.59। स्टूडेंट्स अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको गिवन अमाउंट्स यहाँ पुट नहीं करने हैं, आपको गिवन अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है और फिर उस अमाउंट को हमें यहाँ पे पुट करना है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी है वाटर की, 75,000। सो दिस विल कम आउट टू बी 1692,6345 mg। तो 10 की पावर 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो गया 16.92 kg। यानी कि इतना सोडा चाहिए टू रिमूव द गिवन इम्प्योरिटीज फ्रॉम 75,000 लीटर्स ऑफ वाटर। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 25,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। लाइम की प्योरिटी आपको दे रखी है 84%, सोडा की प्योरिटी आपको दे रखी है 90%, उसके अलावा ये सब इम्प्योरिटीज़ दे रखी हैं और इनका अमाउंट दे रखा है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सारी इम्प्योरिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले हमने लिखा है कैल्शियम सल्फेट, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अमाउंट भी लिख देते हैं साथ में, 24 mg पर लीटर, 36 mg पर लीटर, देन इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 46 mg पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट 30 mg पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 28 mg पर लीटर, NaCl 10 mg पर लीटर। ठीक है, 6 सॉल्ट्स दिए वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउ सबसे पहले आपने सॉल्ट लिखा, आयन लिखा, देन अमाउंट लिखा, देन वी विल राइट मॉलिकुलर मास। नाउ कैल्शियम सल्फेट का मॉलिकुलर मास होता है 136, तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, वो क्या होगा, 136/2, दिस विल बी इक्वल्स टू 68। नाउ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका मॉलिकुलर मास होता है 162, सो 162/2, दिस विल कम आउट टू बी 81। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मॉलिकुलर मास है 146, सो दिस विल बी 146/2, दिस विल बी इक्वल्स टू
73. मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिकुलर मास है 120, सो दिस विल बी 120 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 60. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का मास होता है 111, सो 111 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 55.5. NaCl आपको पता है, इसको हम कैलकुलेशंस में नहीं लेते क्योंकि ये हार्डनेस कॉज नहीं करता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हर एक को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. वो हम कैसे करते हैं, जो भी आपका गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट मतलब ये वाला अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय 50. 50 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट, जो भी आपको यहाँ दिया है इसका जो भी इक्विवेलेंट वेट है ये आपको नीचे लिखना है. सो फर्स्ट में देखें क्या हो जाएगा, 24 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 68, सो दिस विल कम आउट टू बी 17.6. नेक्स्ट देखिए, 36 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 81, सो दिस विल कम आउट टू बी 22.2. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 46 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 73, सो दिस विल कम आउट टू बी 31.5. नेक्स्ट इसका गिवन अमाउंट कितना है, 30 इंटू 50 अपॉन 60, सो दिस विल कम आउट टू बी 25. कैल्शियम क्लोराइड, 28 गिवन अमाउंट इंटू 50 डिवाइडेड बाय 55.5, सो दिस विल कम आउट टू बी 25.2. तो ये हमारे पास सबके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स आ गए हैं. अब हमें क्या देखना है कि किसको हमें लाइम में ऐड करना है और किसको सोडा में, तो वो देखते हैं. कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की, इसको कौन रिमूव करता है, सोडा. कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, इसको कौन रिमूव करता है, लाइम. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये हमने रिएक्शंस में देखा था, इसको रिमूव करने के लिए हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ लाइम, तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको लाइम में ऐड करेंगे. लेट मी राइट इट हेयर, प्लस सोडा प्लस लाइम प्लस ट्वाइस ऑफ लाइम. नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए आप देखोगे इसको क्या करना है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम लाइम प्लस सोडा दोनों चाहिए. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस जो कि सिर्फ रिमूव होती है सोडा से. तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, लाइम का 74/100 N2. आप लाइम में देख लो आपको क्या क्या ऐड करना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी. ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये हो गया 74/100 इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट कितना दिया है, 22.2 प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट कितना है, 31.5 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का अमाउंट कितना है, 25. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी. लाइम की प्योरिटी कितनी दी है, 84%, तो हम यहाँ पे सिर्फ डिवाइड बाई 84 करेंगे क्योंकि जो 100 नीचे डिनोमिनेटर में आता वो ऑलरेडी यहाँ पे लिया जा चुका है. मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 25,000. सो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कीजिए एंड कैलकुलेट योर आंसर. मैं तो आंसर आपको बता ही दूंगी लेकिन आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेशंस खुद कीजिए एंड कैलकुलेट द आंसर. साथ में यहीं पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10^6 से ताकि हमारा आंसर केजी में आ जाए. सो दिस विल कम आउट टू बी 2.43 kgs. ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द लाइम विच इज रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई दिस वाटर. नाउ सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडा. नाउ सोडा विल बी इक्वल्स टू 106/100 मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस MgSO4. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. अगर यहीं पे इसको 10^6 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा इट विल कम आउट इन kgs. तो ये हो गया 106/100 इनटू कैल्शियम सल्फेट का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो था 17.6 प्लस
कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो था 25.2, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो था 25. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, अगर आप परसेंटेज प्योरिटी देखोगे सोडा की तो वो दी हुई थी 90%. तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितनी है वाटर की, 25,000. सो डिवाइड बाय 10 की पावर 6 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इट विल कम इन केजीज. तो दिस विल कम आउट टू बी 1.996 kgs. नाउ सी दिस क्वेश्चन, वाटर सैंपल है जिसमें एज यूजुअल डाटा दिया हुआ है. इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आपको स्किप नहीं करनी है, कि आपकी नज़र जाएगी डाटा पे सिर्फ यहाँ, है ना, क्योंकि ये डाटा यहाँ लिखा है. लेकिन आप ये देखो FeSO4.7H2O ये भी ऐड किया है, और इसका अमाउंट कितना दिया है, 139 ppm. तो जैसे आप इन चारों के लिए कैलकुलेशन करोगे सेम तरीके से आपको इसको भी कंसिडर करना है. और ये FeSO4 है, तो यानी कि दिस विल बी परमानेंट हार्डनेस ऑफ आयरन, जो लाइम में भी जाएगी और सोडा में भी जाएगी. ठीक है, तो सेम टेबल बनाते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. पहले आपको दिया है कैल्शियम आयन, देन CO2, देन मैग्नीशियम आयन, देन बाइकार्बोनेट, एंड देन लास्ट में आपको दिया है FeSO4.7H2O. सो कैल्शियम 2+ का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी पहले हम लेंगे गिवन अमाउंट्स. तो इसका दिया है 160 ppm, इसका दिया है 88 ppm, मैग्नीशियम 2+ है 72 ppm, बाइकार्बोनेट इज 488 ppm, एंड FeSO4.7H2O इसका दिया है 139 ppm. सारे अमाउंट सेम यूनिट में हैं. नेक्स्ट वी विल गो फॉर मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 40, CO2 का होता है 44, मैग्नीशियम इज 24, बाइकार्बोनेट इज 61, FeSO4.7H2O इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा. ना स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको जो ये FeSO4.7H2O दिया हुआ है, इसमें ये जो 7H2O है इसके लिए हमें कोई लाइम सोडा नहीं डालना है. हमें जो लाइम सोडा डालना है, ये जो कैलकुलेशन करनी है, वो सिर्फ FeSO4 के लिए करनी है. तो इसीलिए जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसका ये 7H2O कंसिडर नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पे कैलकुलेशंस में इसको सिर्फ कितना लेंगे, FeSO4 लेंगे सिर्फ. क्यों? क्योंकि हमें लाइम और सोडा सिर्फ FeSO4 के लिए चाहिए, इस 7H2O के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, तो FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 151. नाउ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, 40/2=20. CO2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, जहां हमने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स किए हैं. ठीक है, वहां आप देख सकते हैं कि CO2 का वैलेंसी फैक्टर 2 क्यों है. सो दिस विल बी 22 mg के लिए, 24/2, 12, बाइकार्बोनेट 1 ही रहेगा नीचे, 61. यहाँ पे क्या करना है, 151 डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी 75.5. ठीक है, देन हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. तो ये कैसे करेंगे, गिवन अमाउंट जो कि कितना है, 160 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 20. देन दिस ये कितना होगा आपका, 88 इंटू 50 डिवाइड बाय 22. दिस विल बी 72 इंटू 50 डिवाइड बाय 12. दिस विल बी 488 इंटू 50 डिवाइड बाय 61. दिस विल बी 139 इंटू 50 डिवाइड बाय 75.5. तो देखिए ये अमाउंट्स हमने सारे कैलकुलेट कर दिए हैं. नाउ लेट अस सी कि किसको हम लाइम से रिमूव करेंगे, किसको सोडा से, यानी कि किसको रिमूव करने के लिए हमें लाइम चाहिए और किसको रिमूव करने के लिए सोडा चाहिए. कैल्शियम 2+ मैंने बताया था, इट इज़ सपोज टू बी कंसिडर्ड एज परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम. नाउ परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम रिमूव होती है सोडा से. CO2 रिमूव करने के लिए, यानी कि गैस है, गैस को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइम. ठीक है, लाइम
नाउ मैग्नीशियम 2+, इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है, इसको रिमूव करने के लिए हमें लाइम भी चाहिए और सोडा भी चाहिए। बाइकार्बोनेट लाइम ऐड करना है, सोडा में इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। FeSO4 परमानेंट हार्डनेस ऑफ आयरन है, तो ये प्लस लाइम प्लस सोडा। तो मेन तो आपको यही इसमें पता होना चाहिए कि किसको आपको लाइम में ऐड करना है और किसको सोडा में। बाकी अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए अपने आप सेम तरीके से जैसे बताया है मैंने आपको, एंड टेल मी कि यहाँ पे कितना लाइम और कितना सोडा चाहिए। दिस विल बी द एक्सरसाइज फॉर यू, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। तो हर कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैंने आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया है, अब इसके बाद बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। सो दिस विल बी द एक्सरसाइज फॉर यू पीपल।